हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव साइड की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके जो भी पार्टनर है जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, उनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है और आपके भी दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है, एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उससे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो इस वक्त आप दोनों के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, ट्रू मैसेज द यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और मेरे व्यूअर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर का दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड, दिल आपका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड, द डेविल क्यू है यहाँ पे मेरे यूएस के साइड से, द डेविल क्यू है। ओके, सेवन ऑफ कप्स क्यू है यहाँ पे। ओके, द हर्मिट, एस ऑफ वैंस, किंग ऑफ कप्स, बॉटम में यहाँ पे टावर। तो यस, इस वक्त आपके इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपको टावर दिया गया है, बहुत आपको तरसाया गया है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर स्ट्रांगली कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि के हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 1149 11 1114 3 1 1 1 9 9 9 7 7 7, आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में बहुत सोच रहे हैं आपके साथ बात करनी है, रिश्ता स्टार्ट करना है, सोच समझ के इन्होंने डिसीजन लिया है। आज वो आपके लिए इस रिश्ते में जो भी बिगड़ी हुई सिचुएशन है उस सिचुएशन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे। इनका दिल आज आपसे बात करने का कर रहा है, इस वक्त आपके लिए एक्शन लेने का कर रहा है। लेकिन जो कि टेम्परेंस का कार्ड यही शो करता है, एक्शन लेने का दिल कर तो रहा है लेकिन लेने वाले नहीं हैं। जैसे कि सोच समझ के टाइम देखकर ही आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। इनका दिमाग जो कि इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करा रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, इनको बहुत ज़्यादा रोना आने लगा है, सैडनेस। जैसे कि कोई कितना भी इनको हैप्पी रखने की कोशिश करे हैप्पी नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये बार बार आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। इन्होंने जैसे कि अपने सच्चे प्यार को खोया है, और जो कि इस वक्त इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इनसे प्यार करे, जो कि अनकंडीशनली इनको चाहे, इनकी केयर करे, ऐसा कोई पर्सन इनके लाइफ में नहीं है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, इनका दिमाग भी इनको बता रहा है बात करने के लिए, लेकिन नाइट ऑफ पेंटेकल्स से एक्शन यहाँ पे भी नहीं ले रहे हैं, रुके हुए हैं, स्टक है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। इनके सबकॉन्शियस माइंड में इनको ऐसा लग रहा है कि भले ही आपके लिए एक्शन ले, अगर आपको कुछ बताने की कोशिश भी करे कि वो आपसे कितना प्यार करते, लेकिन आज आपके अंदर इतना ईगो आ चुका है। पहले जो कि इन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए छोड़ा था, लेकिन करंट में आप अपनी ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ चुके हो, आप मुआन हो चुके हो, आप इनके बारे में सोचना भूल चुके हो, जो कि आप इनसे पहले जैसा प्यार भी नहीं करते, ऐसा इनको फील हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन आप अपनी ग्रोथ की तरफ देख रहे हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको बार बार बता रहा है कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी बता के अपने प्यार को उसके सामने जैसे कि जाहिर करके, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो अब तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। इनको इस तरह से एनर्जी फील हो रही है, आपकी ग्रोथ देख के ये वेट कर रहे हैं, इसीलिए जो कि अभी भी दिल करता है बात करने का, एक्शन इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको अपनी ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या मेरा जाना सही रहेगा। इस तरह की एनर्जीज इनकी तरफ से। आपके दिल में क्या है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो,
एक तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूढ़ है, और जो कि आपने भी इनके ऊपर कुछ कंडीशन रखे, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा ईगो है, और दोनों ही जैसे कि अपनी अपनी बातें एक दूसरे से मनवाना चाहते हो। आप कोई कंडीशन इनके सामने रखे हो, जो कंडीशन आपके पार्टनर कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप इस तरह से आपका दिल आपको बता रहा है। आप कन्फ्यूज हो कि शायद इसके पास बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं, इसको तो कोई और प्रपोज कर रहा होगा, इसने तो ईजिली किसी और के साथ रिश्ता स्टार्ट कर लिया होगा, ये क्यों आएगा मेरे पास, ये क्यों मानेगा मेरी बात। आप इस तरह से कन्फ्यूज़ हो कि शायद ये मेरी बात कभी नहीं मानेगा, जो कि मुझे छोड़ के तो जा ही चुका है, अब इतना रुलाने के बाद क्यों आएगा, जो चाहिए था वो तो उसको मिल चुका है, आपका दिमाग आपको बता रहा है। तो जैसे कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आपके पार्टनर को लेके, कि वो कोई प्यार व्यार नहीं करता था, बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, इसको जैसे कि फिजिकल एडिक्शन ही बहुत ज़्यादा है, किसी और की तरफ भी गया था तो फिजिकल होने के लिए गया था, उसको लगा था कि वहाँ पे उसके साथ उसको बहुत मज़े आएंगे इस तरह से, और जो कि आपके पास भी आया था उस टाइम पे, तो जो कि फिजिकल होने के लिए आया था। करंट में आप इनको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, शायद लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और पार्टनर आ चुका है, इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसको भी छोड़ के इनकी ज़िंदगी में कोई और एक्स्ट्रा पर्सन है आपको ऐसा लगने लगा है, जो कि उनके साथ इनके फिजिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं। आप इनसे बात करना चाहते हो, अपना सारा गुस्सा उनको सुनाना चाहते हो, लेकिन आप नहीं सुनाओगे, आप एक्शन नहीं, आपके माइंड में सिर्फ थॉट्स आ रहे हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि चाहे आपके पार्टनर कहीं पे भी जाए, कितने भी पार्टनर्स चेंज करे, लेकिन ट्रू लव, अनकंडीशनल लव इनको आपके अलावा कोई नहीं दे सकता, ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, और इसी वजह से आप ग्रो कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और इनको भुलाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। अगर आप रीडिंग्स देखते भी हो तो सिर्फ चेक करने के लिए आते हो करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच भी रहा है कि नहीं, लेकिन आप पहले जैसे तरसते नहीं हो, पहले जैसे रोते नहीं हो इनके लिए, ठीक है, आपको इस बात पे भरोसा है कि आपका रियूनियन होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो हम देखते इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या आपके लिए, ये तो इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की बातें थी, ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी भी इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, एक्शन लेने का, लेकिन टावर का कार्ड है यहाँ पे, बार बार जो बुरी बातें आपके इस रिलेशनशिप में हुई है उन बातों को याद करते हैं, फिर एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। फोर ऑफ हैंड्स का कार्ड है, जैसे कि आपको पता है, आपको इस बात के ऊपर भरोसा है आपका रियूनियन होगा, आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ रियूनियन करने के बारे में ही सोच रहे हैं, वो नहीं छोड़ सकते आपको, भले इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया, लेकिन आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से ही आप आज भी इनसे एनर्जेटिकली डिस्कनेक्ट नहीं हो पाए, और आपके पार्टनर भी नहीं, पल पल 24/7 आपको सोचते रहते हो, सेम आप भी इनको सोचते रहते हो, लेकिन मैंने जैसे कि बोला, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख चुके हो, जो कि आपने रोना धोना सब बंद कर दिया है। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं आपसे, और इस रिलेशनशिप में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उनसे बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, भगवान से प्रे करते हैं, भगवान को बताते हैं रोज़ रो रो के कि इस थर्ड पार्टी को हमारे इस रिश्ते से निकाल दो भगवान, मैं नहीं जी पा रहा हूँ, मुझे मेरे प्यार के पास जाना है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हुई कि मैंने मेरे प्यार को, मेरे जो कि ट्रू लव को मैंने अपनी ज़िंदगी से खुद निकाल दिया, और जो कि आज मैं उसके लिए तरस रहा हूँ, आज मैं पागल हो रहा हूँ, इस तरह से प्रे भगवान से करते हुए दिखाई दे रहे। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे, आपके पार्टनर बहुत परेशान है इस वक्त, ठीक है, इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए, इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो आपके पार्टनर के लिए, ट्रू मैसेज दियर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स इनके पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, एक्शन, आपका दिल करता है अभी के अभी जाके एक्शन लूँ, बात करूँ, लेकिन आप नहीं लेने वाले हो, ठीक है, आप नाराज़ हो इनके इस एनर्जी से कि ये आपको जैसे कि किसी के साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और जो कि आपके प्यार को नहीं देख पाते, आप इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ठीक है, तो यस और नो ले लेते हैं, आप अपने माइंड में एक सवाल पूछिए, उसका आपको यस और नो में आंसर मिलेगा, ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, ट्रू मैसेज दे मेरे यूनिवर्स के लिए, यस और नो का आंसर दे। ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, यहाँ पे मैंने 3 कार्ड निकाले हैं, यहाँ पे आपको यस और नो में आंसर मिलेगा, ठीक है, आप अपनी पाइल सिलेक्ट करिए, मैं 10 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ। ओके, हम देखते हैं पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है।
यस, आपने जो भी अपने माइंड में सवाल पूछा था उसका आंसर यस है। पाइल नंबर टू, आपका भी आंसर यस है। पाइल नंबर थ्री, नो, आपके सवाल का आंसर नो है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।